हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है किड शॉर्ट की तरफ से। तो किड शॉर्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें कि आप देख सकते हो तीन फ्लैग लगाए हुए हैं अलग अलग कंट्री के। तो और इस पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि किड शॉर्ट एक्स लेजरस एक्स तलाई यूनेस हो सकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एक्सी की तरफ से। तो एक्सी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे उन्होंने लिखा हुआ था सम रैपर्स लिरिक्स आर जस्ट बैक। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार गए हुए हैं अबू धाबी, आप देख सकते हो उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो थारा भाई जोगिंदर है उनका कल डिस्ट्रैक आया हुआ था और वो हट गया था कॉपीराइट की वजह से। तो इसके बाद जोगिंदर अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए हुए थे और उन्होंने रफ्तार के बारे में क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। फैला रहा भाई, मैंने क्या गंदगी फैला दी? मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में क्या गंदगी फैलाई है आप मेरे को आंसर दो। मैं गाली नहीं देता, क्या ये गंदगी फैलाई है? क्या मैं इन यूट्यूबर को एक्सपोज कर रहा हूँ? क्या ये गंदगी फैलाई है? मैंने मेरी वीडियो उठा लो, फेसबुक की उठा लो, यूट्यूब की उठा लो, इंस्टाग्राम की उठा लो, मैंने आज तक गाली नहीं दी। हाँ, मैं लोगों को हंसाता था कि थारा भाई जोगिंदर ये खा जाएगा, ये पी जाएगा। मैंने कभी किसी का कंटेंट नहीं चुराया। दूसरी बात रही, अगर तुम ये लोग बोलते हो ना फेम के लिए मैं कर रहा हूँ, भाई फेम का क्या करूंगा मैं? अबे फेम मेरे को खाने को दे रहा है क्या? फेम मेरे को पैसा दे रहा है क्या अकाउंट में 10 लाख 5 लाख की? हाँ, तेरा फेम हो रहा, तेरे घर में पैसा आ रहा, मेरे घर में एक पैसा भी नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा ऐसे फेम का? यार मैं अपनी बेइज्जती करवाऊंगा, फेम उठाऊंगा क्या मार्केट में से? एक बात सोचो, फेम उठाना होता ना, रफ्तार भाई ने मेरे ऊपर बोला लाइव में आकर, रफ्तार भाई ने स्टोरी डाली। अगर मेरे को फेम लेना होता ना तो मैं रफ्तार भाई को डिस मारता, पर मैंने नहीं मारा क्योंकि वो बंदा बहुत ठीक है यार, बहुत करेक्ट बंदा है। उस बंदे ने हमेशा पता क्या करा है, लड़की के लिए गाना किया है हमारे देश में कि लड़की से ऐसा होता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है। तो हम सल्यूट करते हैं रफ्तार जैसे बंदे को यार, हम क्यों बोलेंगे? मेरे को कोई वो तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही रफ्तार जो लाइव आए हुए थे, मतलब कि जिसमें उन्होंने एमीवे को अप्रिसिएट किया हुआ था, उसकी क्लिप एमीवे फैन भाई करके एक पेज ने डाली हुई थी और उसको एमीवे ने भी लाइक किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो जो एमसी अस्तित्व है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली हुई थी, आप खुद देख सकते हो। ये साले सब कॉपी कर दे सब। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।